हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी सखी रुको। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को पैरों के तलवों में जलन रहती है और इसकी क्या वजह होती है हम ये जानेंगे आज की इस वीडियो में, और साथ ही हम इससे बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है, आपका बेबी जो है उसका वेट बढ़ता है, उसकी वजह से आपके पैरों पर पेट का भार आ जाता है, जिसकी वजह से आपके पैरों के तलवों में जलन हो सकती है। अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, इसकी वजह से भी आपके पैरों में दर्द और जलन रह सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण भी आपके पैरों के तलवों में जलन रह सकती है। तो अब जानेंगे इससे बचने के कुछ उपाय के बारे में। आपको क्या करना है, आपके पैरों को ठंडे पानी में कुछ देर के लिए डाल के रख देना है और बाद में निकाल लेना है। ऐसा आपको दिन में 2 से 3 बार करना है, इससे आपके पैरों की जलन कम होगी। इसके अलावा आपको पैरों में करी पत्ता की पेस्ट लगानी है, इससे भी आपको तलवे की जलन में आराम मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों आप मेहंदी लगा सकती है पैरों के तलवे में, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा जलन कम होने में। नेक्स्ट दोस्तों आप पानी में हल्दी को डालकर इससे पैर धो सकती है, इससे भी आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आप नारियल तेल में कपूर डालकर अपने पैरों की मालिश करें, इससे आपको काफी ठंडक महसूस होगी। रात में सोते वक्त आपको आपके पैरों के तलवों में सरसों का तेल लगाना है, इससे भी आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों रोज सुबह आपको नंगे पैर भीगी घास पर वॉक करना है, इससे भी आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से घरेलू उपाय का इस्तेमाल करती है अपने पैरों के तलवों की जलन को कम करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक जरूर करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।